सात आठ साल तक मैं एक कंप्लीट गृहिणी बन चुकी थी पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर और अपने आने वाले करियर के बारे में एकदम ब्लैंक इंटरव्यू देने के बाद जब मेरा रिजल्ट आया और मुझे जो रैंक मिली उसमें मुझे कोई भी जनरल कैटेगरी में सर्विस नहीं मिली मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण नया साल 2016 लेके आया जब 1 जनवरी 2016 को सुबह सात बजे मेरे पास मेरी फ्रेंड का फोन आया कि मुझे याद है जब मैंने पहली बार 2012 में अपनी मेहनत से सेल्फ स्टडी करके आर का एग्जाम दिया था मेरी खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब मेरे दिन रात की मेहनत रंग लाई और मैंने पहले ही अटेम्प्ट में प्रलम्स और मेंस क्लियर कर लिया मेंस के बाद जब मैं इंटरव्यू दे के आई तो मैं अपने रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला था उस दिन मेरा वक्त बिताए नहीं बीत रहा था मैं बार बार घड़ी देख रही थी और हर पांच पांच मिनट में आरपीएससी के साइट चेक कर रही थी कुछ समय बाद मेरे भाई का फोन आया कि रिजल्ट आ गया है जब मैंने पीडीएफ के अंदर अपना रोल नंबर देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी कि मैं सेलेक्ट हो गई मैंने अपने मम्मी पापा बहन भाई और इन लॉस को फोन करके बताया कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ फिर थोड़ी देर बाद एक फैमिली फ्रेंड से मुझे जानकारी मिली कि जो रैंक मुझे मिली है उस रैंक में तो जनरल कैटेगरी में मुझे को, कोई भी सर्विस नहीं मिलने वाली है मैं शौक थी मेरे पांच साल की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी मैं रोने लगी लेकिन मेरे पापा और मेरे पति ने मेरा मनोबल बढ़ाया कि अब तो सफलता से बस कुछ ही कदम दूर हैं पापा ने कहा बेटा आंसू को पसीने में बदलो मेहनत से नसीब बदलता है यह उतना ही सच है जितना सूरज हर रोज निकलता है नमस्कार दोस्तों मैं अरुणा शर्मा डिप्टी लेबर कमिश्नर जयपुर राजस्थान आज मैं आपके सामने अपनी कहानी लेकर आई हूँ एक ऐसे गांव जहां आज भी औरतें घूंघट में रहती है से डिप्टी लेबर कमिश्नर के पद पर पहुंचने की कहानी आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पद पर कैसे पहुंची मैं एक सीकर जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम सिरोई है से बिलोंग करती हूं परिवार में हम बहन और एक भाई है मेरे पापा राजस्थान तहसीलदार सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे उनका सपना था कि उनके बच्चे भी एडमिनिस्ट्रेशन में आए लेकिन हम गांव में रहते थे तो गांव के लोग पापा को सलाह देते थे कि छः छः बेटियां हो गई हैं आप इनके दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करो पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं पर पापा ने अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी हम बहन भाइयों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर दी मेरी पढ़ाई थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल से हुई है चूंकि गांव में केवल दसवीं तक ही स्कूल था तो आगे की पढ़ाई के लिए मुझे पास के कस्बे में जाना पड़ा से मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करी पढ़ने लिखने का जज्बा था इसलिए मैंने जुलोजी से एम भी करी मेरी 21 से बाईस साल की उम्र में शादी हो गई मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए लेकिन मैंने मेरे लिए एक ऐसे हाई वैल्यू इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग व्यक्ति का चुनाव किया जिनके साथ मुझे पता था कि मेरे आने वाली लाइफ में स्ट्रगल तो होंगे मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरी लाइफ इतना ड्रामेटिक चेंज लेगी शादी करके मैं एक ऐसे गांव में आ गई थी जहां आज भी घूंघट प्रथा विद्यमान है और ऐसे गांव में जाना मेरे लिए एक चुनौती तो था लेकिन मेरे कमिटमेंट और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया उस घर में भी हमारे स्ट्रगल कम नहीं थे मैं जिस गांव में थी वहां पर पानी की बहुत कमी थी आप जानते सिखावटी इंडिया का जोन है, जहाँ पे पानी का लेवल सबसे नीचे है गांव में सभी लोगों ने अपने अपने घरों के आगे पांच पांच फीट ऊंचे गहरे गड्ढे बना रखे थे जिनके बॉटम में पानी का पाइप होता है और उससे धीरे धीरे पानी आता है जिससे बाल्टी बाल्टी करके पानी भरना होता है घर में गाय भी रखते थे मदर लॉ ऑसमेटिक थी और असिमेट्रिक होने के कारण अक्सर बीमार रहती थी मेरे फादर इन लॉ 1996 में एक्सपायर हो चुके थे और मेरे पति सबसे बड़े होने के कारण तीन छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लिए हुए थे मैं भी अपना सब कुछ भूलकर अपने पति के साथ अपने घर की जिम्मेदारियां पूरा करने में लग गई इसी 2.5 इस साल बाद मेरी बेटी भी इस दुनिया में आ गई थी और मैं उसकी भी जिम्मेदारियां पूरी करने में लग गई 7-8 साल तक मैं एक कंप्लीट ग्रहणी बन चुकी थी पढ़ाई लिखाई से कोसो दूर और अपने आने वाले करियर के बारे में एकदम ब्लैंक मैंने आगे कुछ नहीं सोचा केवल और केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने में लग रही थी मेरी लाइफ का अगला यू टर्न आया जब 2011 में मेरे देवर और ननद की शादी करने के बाद मैं अपने पति के साथ झुंझुनू शिफ्ट हुई झुंझुनू शिफ्ट होने के बाद जब मुझे लगा कि पिछली दो शादियों से थोड़ा इकोनॉमिक भी प्रेशर में हैं तो मैंने वापस अपनी पढ़ाई शुरू करने का और अपने पापा और पति का सपना पूरा करने का सोचा 2012 में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एम किया नेट सेट किया 2013 में बीएड और 2015 में एमएड भी किया ताकि मैं स्कूल लेक्चरर और अदर एग्ज़ाम्स भी दे सकूं साथ ही साथ मैं आरएस की प्रिपरेशन करने लगी 2012 वाला आर एस एग्जाम जब मैंने दिया बिना किसी कोचिंग के सेल्फ़ स्टडी करके तो पहले ही अटैम्प्ट में प्रिलिम्स जब मेरा निकला तो हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ा और मैं दुगनी जोश के साथ तैयारी के साथ मेंस की तैयारी में लग गई मेरा मेंस क्लियर हुआ मैंने इंटरव्यू दिया इंटरव्यू देने के बाद जब मेरा रिजल्ट आया और मुझे जो रैंक मिली उसमें मुझे कोई भी जनरल कैटेगरी में सर्विस नहीं मिली तो मैं हताश होने लगी लेकिन मेरे पापा और मेरे पति ने मेरा हौसला इतना बढ़ाया साथ ही साथ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां भी मेरा हौसला दुगना कर देती थी यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले क्रीत दास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं यह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं ये पंक्तियां मेरे जोश को और हौसले को दुगना कर देती थी जब जब ऐसी स्थिति में बाकी महिलाएं या या तो पीछे हट जाती हैं अपना आत्मविश्वास हारने लगती हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचता उनके घर वाले भी सहयोग नहीं करते मेरे घर वालों मेरे पति ने मेरी सास ने मेरा सहयोग किया और मुझे निराशा में जाने से रोका मैंने तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए छोटे छोटे रीजनल भी देने की है। में मुझे जो रैंक मिली उसमें मेहनत करी थी मैं मेरे बेटी सुबह पाँच बजे उठकर अपनी बेटी को तैयार करके साढ़े छह बजे स्कूल भेजती उसके बाद में अपने पति को साढ़े नौ बजे ऑफिस भेजकर अपने घर का काम फटाफट ग्यारह बजे तक निपटा लेती थी और पढ़ने बैठ जाती थी ग्यारह बजे से लेके डेढ़ बजे तक मैं पढ़ती रहती और जैसे ही बेटी स्कूल से आती उसे खाना खिलाकर सुला देती और फिर से मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देती शाम को चार बजे तक बेटी के उठने तक मैं पढ़ती फिर उसे उठाकर उसका होमवर्क कराती उसके साथ टाइम स्पेंड करती और फिर अपनी दैनिक दिनचर्याओं में लग जाती थी इतनी मेहनत करने के बाद जब मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ तो मैं निराश होने लगी यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि इसको क्यों परेशान कर रहे हो अब इतने सालों बाद कुछ नहीं होने वाला लेकिन जहाँ वो मेरी नाकामी देख रहे थे वहाँ मैं और मेरे पति उम्मीद की एक किरण देख रहे थे कि अब तो सफलता से बस कुछ ही कदम दूर है अगर थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो हम पार पा जाएंगे मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण नया साल 2016 लेके आया जब 1 जनवरी 2016 को सुबह सात बजे मेरे पास मेरी फ्रेंड का फोन आया कि राजस्थान लेडीज सुपरवाइजर एग्जाम में तुम्हारी पूरे राजस्थान में दसवीं रैंक बनी है ये मेरे लिए पहली सफलता थी मेरी मेहनत का फल मुझे मिलना शुरू हो गया था उसके बाद में मेरा आर में चयन हुआ बायोलॉजी से स्कूल लेक्चरर के लिए चयन हुआ और आखिर में आर 2013 में मुझे राजस्थान लेबर वेलफेयर सर्विस में सेलेक्ट किया गया और आज मैं आपके सामने डिप्टी लेबर कमिश्नर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ जब मेरा आर 2013 के इंटरव्यू का रिजल्ट आया हालांकि पिछले कुछ सलेक्शन की वजह से मैं उत्साहित तो थी लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी डरी हुई भी थी पर जब कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने अपने क्वालिफाइड का बार देखा तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि आज मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया है मुझे अपने सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे थे मेरे पापा और मेरे पति की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था मेरी सास का भी इसमें बहुत सहयोग था उनकी आंखों से आंसू बहने लगे परिवार में खुशी का माहौल था और मेरी बेटी जो मुझे हमेशा कहती थी कि मम्मा आप सी बनना और इसी के लिए मुझे पढ़ाई करने देते थे कि आपको सी बनना है वो भी खुशी के मारे पागल हो रही थी कि मेरी मम्मा सेलेक्ट हो गई मेरी मम्मा सेलेक्ट हो गई आखिर पंद्रह सालों के स्ट्रगल के बाद मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था मैं उन सभी औरतों के लिए आज यहाँ पर आई हूँ जो अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देती हैं चाहे है वो सेक्रीफाइस की वजह से हो या कुछ मजबूरियों की वजह से मैं उनसे कहना चाहूंगी कि कभी भी हार नहीं माने खुद को कमजोर नहीं समझे जिस तरह से मैंने अपने ना केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि आज डिप्टी लेबर कमिश्नर की पोस्ट पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदल रही हूँ तो ऐसा आप भी कर सकते हैं जिंदगी में चाहे कोई भी परिस्थिति आए कभी हार नहीं माने जिंदगी कभी भी यू टर्न ले सकती है क्या पता जिंदगी अगले पड़ाव पर आपके लिए कोई नया उपहार लेकर बाहें फैलाएं आपका इंतजार कर रही है इट इज़ सेट दैट वेन यू एजुकेट वुमेन यू एजुकेट इन इंटायर जनरेशन नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने सी एस करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिलकर स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग एप जोश ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें जोश टॉक्स इज नाउ अ स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.